बाहर आओ, बेटी आई है और अम्मा का ठिकाना ही नहीं है। अरे मिंकी आप आई हो, आओ आओ जल्दी आओ, घर के अंदर आओ। अरे भाभी माँ कहाँ है? तुम तो यहाँ बैठकर ऐसा लगता है जैसे महारानी बनी हुई हो। कहीं मेरी माँ से काम तो नहीं करवा रही हो? नहीं नहीं अम्मा तो तालाब गई है। अरे जरूर तुमने बर्तन धोने भेजा होगा या फिर कपड़े धोने, आजकल की बहुएं तो ऐसी ही है। नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो तो यूं ही गई है, मुझे तो पता भी नहीं है। हाँ हाँ आएगी अम्मा तो मैं सब पूछ लूंगी। अरे मिंकी पहले घर तो आओ, कुछ नाश्ता पानी करो, बैठो तो सही घर में जाकर। हाँ हाँ जा रही हूँ। अरे रे रे रे, अरे मेरी बिटिया तू कब आई? अम्मा मैं तो अभी अभी आई, ये बड़ी बड़ी मछलियाँ लेकर कहाँ से आ रही हो? अरे वो जो तालाब है ना मंगरू का, उस तालाब में मछली पकड़ने का काम चल रहा था, मैंने सोचा ताजी ताजी मछलियाँ वहाँ से ले आऊँ। देख कितना अच्छा संयोग है, मैं ये मछलियाँ लेकर आई हूँ और तू यहाँ मेरे घर आई है, इससे भी बढ़िया संयोग हो सकता है क्या, बता। हाँ अम्मा मैंने भी बहुत दिनों से मछलियाँ नहीं खाई। अम्मा ये मछलियाँ बनाएगा कौन? अरे ये करमजली बनाएगी, और कौन बनाएगा? ले लेके जा और जाकर जल्दी जल्दी मछलियों की तैयारी कर, इसे बोटियों में काट और इसे छाक। अच्छा अच्छा अम्मा जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। जा जा यहाँ खड़ी खड़ी मुंह मत देख। चल मेरी बेटी तू मेरे साथ चल, मेरे साथ बात करेगी, बड़े दिन हो गए हैं। हाँ तू अपने मन की बात तो बता मुझे। अरे अम्मा चलो ना, यहीं पे सारी बातें करोगी क्या? अरे नहीं नहीं चल कमरे में। और बता बिटिया क्या हाल चाल? अरे अम्मा मुझे तो तुझे देखकर बड़ा दुख होता है, ये किस नास पीटी को तुमने घर में बुला लिया है? हाँ ना सकल है ना अकल है, और बोलती कैसे है वो भी अजीब तरीके से। अरे क्या बोलूँ मैं तो खुद परेशान हूँ, एक तो न रूप है न रंग है और ऊपर से ये भूलने की बीमारी, कभी कुछ भूल जाती है कभी कुछ भूल जाती है, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, कहाँ से पकड़ कर ले आया है मंटू इसे। अम्मा मैंने कितने सपने सजाए थे, भैया की शादी में ये लूंगी वो लूंगी, लेकिन ये तो भिखारी घर से आई है, कुछ भी लेकर नहीं आई है, ये मुझे क्या देने वाली है? अरे रे रे तू उसकी छोड़, वो तो भिखारन है, लेकिन तेरी अम्मा तो अभी जिंदा है ना, तू मुझे बता क्या चाहिए, मैं तुझे वो सब कुछ दूंगी। अम्मा मैं आई हूँ तुम्हारे पास एक बहुत ही खास काम से। हाँ हाँ बोल मेरी बिटिया क्या काम है? मैं तो भूल गई, अम्मा को मैंने चाय भी नहीं दिया है। आह खाना बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करती हूँ, अम्मा फिर गुस्सा होगी। चलो जल्दी से चाय बना दूँ वरना अम्मा का गुस्सा तो सर आसमान पर उठा लेगी। मैं चाय बनाना भूल गई थी, ये लीजिए अम्मा। अरे रे रे आ सिर्फ मैं अकेली चाय पीऊंगी? अरे अम्मा छोड़ दो, इसे क्या बोल रही हो, इसे तो खुद समझ नहीं है। हाँ तुम्हारी ननद भी है यहाँ पर, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ अम्मा चाय पिएगी, मैं चाय नहीं पीऊंगी क्या? क्या सोच रखा है, भिखारन हूँ क्या मैं? अरे नहीं नहीं आदत नहीं है ना, ध्यान से निकल गया, अब मुझे बस अम्मा का ही याद रहा, अभी बना कर ला देती हूँ। नहीं पीना मुझे, उसी समय लाना था तो दो लाना था, एक लेकर आई है और मुझे समझा रही है नहीं पीना है अब मुझे, जा 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 यहाँ से। अरे रे रे सुन कल से दो कप चाय लाना, जब भी लाना मुझे जो भी खाने को देगी दो दो लाना, मेरी बेटी को भी मिलना चाहिए। हाँ अम्मा एकदम ध्यान रखूंगी, मैं दो दो ही लाऊंगी, तुम परेशान मत हो।
अम्मा मुझे तो लगता है ये जानबूझकर ऐसी हरकतें करती है। क्यों, ऐसा तुझे क्यों लगता है? अम्मा मुझे लगता है ये काम नहीं करना चाहती है, इसीलिए इस तरीके से बदतमीजियां करती है। अरे रे रे, मीनू नाम है मेरा, अगर ऐसा है तो मैं इसे सीधा कर दूंगी, देख लेना। अच्छा छोड़, तू बता क्यों आई है तू, कोई काम है? अम्मा काम तो है, बड़ा काम है अम्मा। देखो ना, मेरे पति ने कुछ कर्जा लिया था और वो कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं। क्यों, किस चीज का कर्जा लिया था? अरे बोल तो सही। अम्मा वो धंधा करने के लिए ही लिया था, लेकिन धंधे में फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया अम्मा, इसीलिए पैसे देने हैं अम्मा। जिससे हमने पैसे लिए, साहूकार दिनों रात घर पर आ जाता है। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है अम्मा, पिछली बार आया था तो कह रहा था घर खाली करके जाना पड़ेगा, सर पर ले आऊंगा तुम्हें। अरे रे, मेरे होते हुए मेरी बेटी को कोई क्या सड़क पर लाएगा? तू परेशान मत हो, मैं एक घड़ा सोने की मोहरे दे दूंगी, आराम से सारा कर्जा चुका देना। हाँ अम्मा, वही लेने के लिए आई हूँ इतनी दूर से। मैं परसों चली जाऊंगी अम्मा, तब तक तुम अपना घड़ा तैयार रखना। लेकिन अम्मा मुझे बड़ा दुख होता है। किस बात का दुख? ये कौन सी नासपीटी लेकर आई हो, तुम्हें तकलीफ होती है अम्मा तो मुझे भी तकलीफ होती है। हाय हाय रे, देख तो मेरी बेटी, इसे भी मेरे तकलीफ से तकलीफ होती है, और एक वो नासपीटी है घर में बैठी खाती है और घूमती है, और तो कोई काम ही नहीं है। अरे बहना तू आई है? हाँ भैया मैं आई हूँ, बड़े दिन हो गए थे तुम लोगों को देखे हुए, इसीलिए मैं आ गई, और मैंने तो भाभी को भी नहीं देखा था। और कैसी लगी भाभी? ठीक ही है भैया, लेकिन तुम्हें इससे अच्छी मिल सकती थी। अरे कोई बात नहीं है, अब वो जैसी भी है मेरी बीवी है और इस घर का देखभाल भी करती है। हाँ 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 देखा है, खूब देखभाल करती है। अम्मा देखो, अब अपने घर की चीज है ना, उसके बारे में बार बार गलत गलत बोलना अच्छा नहीं है अम्मा। जैसी भी है वो अब घर की ही है, इसीलिए ऐसा कुछ भी ना बोलो। अरे मैंने तो मुंह सिल लिया है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मुझे क्या कोई हक है? किसने दिया मुझे हक? किसी ने भी नहीं, मैं क्यों बोलने जाऊँ? अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ जरा खाने पीने में क्या बना है और क्या नहीं बना है। अरे क्या कर रही हूँ मिनी? बस खाना बना रही हूँ, थोड़ी जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ। अच्छा किया, खाना अच्छे से बना लेना। मुझे समझ में नहीं आता है मुझसे गलतियाँ कैसे हो जाती है, मैं कोशिश करती हूँ याद रखने की चीजें, लेकिन भूल जाती हूँ। आज मैं चाय देना भूल गई, और चाय लेकर भी गई तो मुझे याद नहीं रहा कि मेरी ननद भी साथ है। अरे तुम वो सब दिमाग लगाना बंद करो, जो चल रहा है जैसे चल रहा है सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। अच्छा सुनो, कल मैं आऊँगा ना तो बड़ी वाली मछलियाँ लेकर आऊँगा, अब बहुत पसंद है मिंकी को, तो तुम उसे अच्छे से बना देना, आज का खाना भी अच्छे से बनाओ। हाँ हाँ बस मैं बना ही रही हूँ। रे तू भी खा ले, तू क्या अलग से कोने में खाएगी? नहीं अम्मा अभी मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग सब खा लो उसके बाद मैं खाऊंगी। अरे खा लो साथ में, अलग से क्यों खाओगी? नहीं आप लोग खा लो फिर मैं खाऊंगी। चलो ठीक है, तुमसे तो बहस में जीतना ही आसान नहीं है, मुझे काम पर भी जाना है, खा लेता हूँ मैं। अरे हांडी में तो खाना ही नहीं बचा, मुझे लगता था अम्मा ने कम खाना बनवाया है, अब क्या करूं, भूख लगी है, जाती हूं कुछ और खा लेती हूं।
अरे भाभी क्या खा रही हो? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा ये भाजा बचा हुआ था उसे ही खा रही हूँ। हाँ हाँ, लगता है तुम ये बताना चाह रही हो कि सारा खाना मैंने खा लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो पेट भरा हुआ था, मैंने इसीलिए कम खाना बनाया है। चलो ठीक है। अम्मा आज क्या खाना कम बनवाया था तूने? अरे हाँ हाँ, कम ही बनवाया था, ठूस ठूस कर खाती है मुफ्त की, इसीलिए कम बनवाया था। अम्मा क्या तुम ही ने उसे बोला था बाद में खाने को? हाँ हाँ, मैंने ही बोला था। वाह अम्मा वाह, तुम तो एकदम से बढ़िया वाली कमीनी निकली। अरे तू मेरी बेइज्जती कर रही है कि तारीफ? अरे अम्मा तारीफ कर रही हूँ तारीफ, देखना ऐसे तो वो कुछ ही दिनों में भाग जाएगी। अरे मैं तो चाहती ही वही हूँ, कौन उसे झेलना चाहता है, मैं तो चाहती हूँ कितनी जल्दी गले से ये हांडी निकले। मिनी ये लो, ये दोनों मछलियाँ अच्छे से बनाना, मेरी बहन को खूब पसंद है। हाँ जी मैं बना दूंगी। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खेतों में बहुत काम पड़ा हुआ है, बस मैं अपनी बहन के लिए ही इसे लेकर आया था। अरे ये बिल्ली तो भूखी लगती है, पता नहीं इसे बहुत देर से भूख लगी है लगता है। मैं ऐसा करती हूँ ये सारा छोड़कर चली जाती हूँ, हम लोग तो लगभग रोज ही खाते हैं मछलियाँ, आज ये बिल्ली ही खा लेगी तो क्या हो जाएगा, जाती हूँ मैं। हाय हाय कितनी भूखी है बेचारी। अरे मिनी मैंने तो बड़ी बड़ी मछलियाँ लाई थी, ये तुमने क्या खाना बनाया है, ये घास फूस क्यों बनाया है? वो मैं तालाब में गई थी उसे धोने के लिए, तो वहाँ पर एक बिल्ली आ गई और वो बिल्ली बहुत भूखी थी, मुझे बड़ी दया आ गई उस पर और मैंने वो मछली उसे दे दी। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हाँ अम्मा कहती थी, लेकिन मैं हमेशा अम्मा को भला बुरा कह देता था, लेकिन ये क्या बात हुई, तुम्हें पता है हाँ वो मछलियों की कीमत कितनी है और तुमने वो मछलियाँ बिल्ली को दे दी, दिमाग तुम्हारा सचमुच में बहुत खराब है, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है न जाने मैं क्या कर दूँ। हाँ ये क्या हरकत किया तूने? अरे रे रे तू ही तो है, तेरी ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मैंने तो बहुत पहले ही कहा था, लेकिन तू है कि तू अपनी बात ही ऊपर रख रहा था, मेरी बात तो तू सुनना ही नहीं चाह रहा था। मैं कह रही थी ये लायक नहीं है, ये लड़की एकदम बेकार है, लेकिन तेरे कानों में तो जू नहीं रेंगती। अम्मा सही कहती हो तुम, ये एकदम बेकार है, मैंने कितने शौक से अपनी बहन के लिए लाया था। ऊपर वाले ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा मुझे दे रहे हो, मेरा दिमाग ऐसा क्यों बनाया, अगर मेरा दिमाग भी अच्छा बनाते तो आज मुझे लोगों की बातें नहीं सुननी होती। अरे कोई इस घर में है क्या, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, अभी खाना दे दो। लेकिन बाबा मैंने तो बस चार लोगों का खाना बनाया है, अगर मैं आपको दे दूंगी तो फिर किसी एक को भूखा रहना पड़ेगा। अरे मुझे बहुत भूख लगी है, एकदम से दे दो खाना मुझे। अच्छा बाबा मैं आपको अपने हिस्से का खाना लाकर देती हूँ, आप परेशान मत हो, मेरे हिस्से का खाना खा लो आप। ये लो बाबा इसे खा लो। हाँ हाँ दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे वाह वाह बड़ा स्वाद है, तुम्हारी हाथों में तो जादू है, तुमसे तो तुम्हारे घर वाले बहुत खुश रहते होंगे, इतना अच्छा खाना तो मैंने कभी पहले नहीं खाया है। कहाँ बाबा
सब तो मुझसे दुखी ही रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है आखिर ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझसे तो घर में सारे दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं मुझसे। अच्छा तुम दुखी मत हो, अब देखना एक दिन सब तुम्हें ही प्यार करेंगे और किसी को प्यार नहीं करेंगे। एक दिन सच बाहर आ जाएगा और जो तुम्हारे घर में आग लगा रहा है ना, वो जरूर फंसेगा। जाओ बिटिया, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। रे, ये ले मेरी बेटी, इतने से में हो जाएगा ना। हाँ अम्मा, इतने में मैं काम चला लूंगी और अगर दिक्कत होगी ना अम्मा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। ये पूरा का पूरा घड़ा मुझे दे दो अम्मा। हाँ हाँ बिटिया, ले जाना इसे, कल ले जाना। अरे कहाँ हो मिंकी, अरे जल्दी बाहर आओ, तुमने बोला था एक दिन के अंदर ले आओगी लेकिन अभी तक तुम लेकर नहीं आई। अरे चुप करो, अभी अम्मा घर पे नहीं है, जल्दी आओ। अम्मा ने 7 घड़े रखे हैं सोने के। हाँ मुझे तो एक ही दे रही है, बाकी 6 बहू के लिए रखे होंगे। हाँ वो भी हमें लेना है, सब लेना है। नहीं नहीं, ये अम्मा के हैं, मैं आपको ऐसे ले जाने नहीं दूंगी। आप अम्मा से बात करो, अम्मा आती होंगी। अरे चुप कर, अभी तो अम्मा तेरी और पिटाई करेगी। मैं तो सारा इल्जाम तुझ पे ही मर दूंगी कि तूने किसी को बुलाया था और सारा तूने उसे दे दिया। हाँ 7 घड़े हैं, 6 घड़े की मालकिन बनेगी, मुझे सब समझ में आता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, आप ऐसा नहीं कर सकती। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? अम्मा देखो अम्मा, ये आपकी धन लेकर जा रही है। अरे एक घड़ा धन तो मैंने खुद ही दिया था अम्मा, लेकिन ये एक घड़ा नहीं बल्कि 7 घड़े आपके लेके जा रही है। तू यहाँ मेरा पूरा का पूरा माल लेके उड़ रही है? हाँ। अरे सासू माँ क्या हो गया, तुम्हारी ही तो बेटी है, ले जा रही है तो ले जाने दो। अरे कलमुहे, तू तो लगता है दारू पी के आया है। अरे क्या बात है, सच सच बता, तू मुझसे जरूर कुछ छिपा रही है वरना मार मार के भुर्ता निकाल दूंगी। सोचूंगी भी नहीं कि तू मेरी बेटी है और ये मेरा जमाई है। मेरी दौलत पे बात आई तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे अम्मा अम्मा, ऐसी बात नहीं है अम्मा। अरे सच बता, नहीं तो अभी मैं डंडा लेकर आती हूँ। अरे ये बुढ़िया तो कुछ ज्यादा ही चपड़ चपड़ कर रही है, अभी मैं एक डंडा मारता हूँ, तेरी अम्मा को ऊपर भेजता हूँ, फिर घड़ा ले जाऊंगा। नहीं नहीं ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अरे चुप कर, ये ले बुढ़िया, खूब चिल्ला रही थी। हाँ सारा माल समेट कर बहू को देगी। अरे जीजा जी, ये क्या कर रहे हो, अम्मा को क्यों मार रहे हो? अरे रे रे बेटा देख, ये दोनों लुटेरे तेरी सारी संपत्ति लूट कर ले जाना चाहते हैं। मार बेटा इसे, मार कर भगा। अरे पड़ोसियों, अरे आओ आओ, देखो मेरे घर में चोर घुस आए हैं। अरे ये क्या, ये तो तेरा बेटा है, ये तो तेरा जमाई है, बेटी है। अरे ये लुटेरे हैं, मेरा पूरा कमाई ले जाना चाहते हैं। हाँ मेरी मैंने पूरी जिंदगी खपा दी थी इस कमाई के लिए और ये एक झटके में लेकर उड़ रहे हैं। इसे मारो। अम्मा चलो अम्मा, मैं दवाई लगा देती हूँ। अरे बिटिया तू ना होती तो मेरी पूरी कमाई चली जाती। ये दोनों तो लुटेरे निकले, एक नंबर के। मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे लुटेरे भी हो सकते हैं। बिटिया माफ कर दे मुझे, मैंने अपनी बेटी के बात पर तेरे ऊपर बड़े जुल्म ढाए, ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा। तू अगर माफ नहीं करेगी तो अम्मा आप पहले घर के अंदर चलो, सर पे चोट लगी है और
खून भी बह रहा है। मैं पट्टी बांध दूंगी तभी आपको सुकून मिलेगा। अम्मा ये लो खिचड़ी खाओ, खिचड़ी खाओगी तो ताजगी रहेगी और जल्दी तबीयत ठीक हो जाएगा। अरे बिटिया न जाने कौन कौन से हम मैंने जुलम किए, माफ कर देना बिटिया, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। अम्मा आप बेकार में परेशान मत हो, मैं सब समझती हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब सब सुखी से रहने लगे थे, अच्छे से रहने लगे थे, किसी तरह का झगड़ा लड़ाई नहीं होता था। अरे आज बस मौसम खराब ना हो, जल्दी से खेत पहुंच जाऊं, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती है रोज रोज, ये बारिश ने तो गजब लगा रखा है। आसमान में कितने तारे। आहा, अरे भैरव खेत पे नहीं जाना है क्या? अरे नहीं भाई, ये सब काम तुम करो, मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ आराम से जीने के लिए और बस मजे लेने के लिए। अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? जैसी बातें कर रहा है ना, किसी दिन देखना बड़ी मुसीबत में फंसेगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत करना आना चाहिए। अरे भाई अपना कचर 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 बंद कर और निकल यहाँ से, मुझे जितना मेहनत करना था उतना मेहनत कर लिया। मेरे बाप दादा ने खूब सारी संपत्ति बना ली है, अब तो मैं एक अच्छी सी कन्या के तलाश में हूँ, ब्याह करूँगा, आराम से जिंदगी जीऊँगा। आसमान में कितने तारे। अरे समझ गया, तुम्हारे चक्कर में रहूंगा तो मुझे भी बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, मैं अभी इंतजार नहीं करूंगा, मैं भी चला। आसमान में कितने तारे। अरे कहाँ जा रही हो तुम लोग? आप कौन है? हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? हम जा रहे हैं, पास के गांव में मेला लगा है, वहाँ जा रहे हैं। अरे तुम लोग इतनी सारी हो, इतनी सारी को देखकर तो मेरी आंखें चुंधिया गई है। अरे तुम में से कोई एक मेरी बीवी बन जाओ, मेरी सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। मेरा घर खाली है, एक घर वाली आइए, अगर कोई घरवाली मिल जाए तो। क्या बोल रहा है तू मेरी बच्चियों से? आ ता है। अरे तेरी इतनी मजाल। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तो यूं ही घरवाली ढूंढ रहा था। अच्छा तुझे क्या लगा तू मेरी बेटियों को छेड़कर यहाँ से निकल जाएगा? अरे बच्चियों जरा इसकी धुनाई करो, एक एक थप्पड़ मारो तो घूम घूम कर, और जब तक ये माफी ना मांगे तब तक मारती जाना। हाँ पापा अभी मारती हूँ, चटा चटा। अरे अरे बस छोड़ो, मेरे गाल सुंदर सुंदर गाल का क्या हाल कर रही हो तुम लोग, अरे छोड़ो। हाय 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 मर गया रे, अब मेरी कमर, मेरे गाल सुंदर सुंदर गाल। अरे क्या हो गया भैरव, अभी तो ठीक ठाक था, अभी क्या हो गया तुझे? अरे रे 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 कल मुहे
पिटकर कैसा लगा और कैसे लगी ये चोट? अरे नहीं, मैं पिटा थोड़ी हूँ। अरे वो तो तूफान आया और ऊपर से पेड़ की एक डाली टूट गई और वो डाली मुझ पर ही गिर गई। इसकी वजह से मुझे चोट लग गई है और कुछ नहीं हुआ है। हाँ हाँ, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है। अरे रे रे, सुनो, इसको पास के पहलवान कद्दू ने पटक पटक कर मारा है। अरे कद्दू मियाँ, उसने मारा है? हाँ हाँ, उसने ही मारा है। उसकी बेटियाँ जा रही थी, ये कौवा उन्हें छेड़ने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए खूब पिटाई पड़वाई है इसे। अरे बाप रे, ये तो तूने गलत किया, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। तू अगर ऐसा करेगा तो फिर तेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे मौसी, क्यों नहीं इसे एक घरवाली दिला देती हो? इसका ब्याह करवा दो ना, इसकी सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। ब्याह के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। एक बार ब्याह हो जाएगा तो ये शांत भी हो जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। अरे रे रे, इस निकम्मे से कौन ब्याह करेगा? जरा बता मुझे, इससे ब्याह करने वाली हमेशा सिर फोड़ कर रोती रहेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा उसे। ऐसा क्यों कह रही हो मौसी? ये भी बेचारा अच्छा ही है, अब मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तुम परेशान मत हो, बस इसका ब्याह करा दो किसी से। अगर ऐसी बात है तो मेरे नज़र में एक लड़की है, मैं उसके साथ इसका ब्याह करवा सकती हूँ, अगर तुम बोलो तो। हाँ हाँ मौसी, करा दो। मैं और बिजली इसके ब्याह में चलेंगे और इसे ब्याह करा के समस्या को खत्म करो। अरे रे रे रे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। तू परेशान मत हो, ब्याह करवा देती हूँ। अरे मेरी बीवी, बड़ी अच्छी लग रही हो तुम, तुम्हारी ही जरूरत थी इस घर में। मैं देखती हूँ आप कभी भी कोई काम करने नहीं जाते, ऐसे कैसे चलेगा? अरे मेरे बाबा ने एक घड़ा भर कर सरफिया दिया है। सुनो, उस घड़े को मैंने देखा है और उसमें ज्यादातर मोहरे खत्म हो चुकी हैं। तुम अगर यूं ही करते रहे तो फिर तुम्हें एक दिन भूखो रहना होगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे तुम बेकार में भाग्यवान परेशान हो रही हो, तुम परेशान मत हो, और इस तरीके से परेशान होगी तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल है। अरे मैं परेशान न हूँ तो क्या हूँ, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। ये लो, आज पूरा खाली हो गया ये मटका। इस मटके में अब कोई असरफी नहीं है, और अगर तुमने दो दिन के अंदर काम करके घर में राशन नहीं लाया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, याद रखना। अरे ऐसा मत कहो गौरी, तुम अगर मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा। हाँ मैं कोशिश करता हूँ, मैं आज ही जाऊँगा, कालू भैया से बात करूँगा। कालू भैया, गजब हो गया कालू भैया। अरे क्या हो गया भैया? बाबा के पैसे से मैं बहुत दिनों तक आराम से घर में बैठकर खाता रहा, लेकिन अब वो पैसे खत्म हो गए हैं भैया, और गौरी कह रही है कि मुझे छोड़कर चली जाएगी अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो। क्या करूं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे करना क्या है, काम कर, मेहनत कर, और मेहनत करके फिर घर चला, और तो कोई उपाय नहीं है। अब भैया मुझसे मेहनत नहीं होगी। देख भाई, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कहेगा तो आज का राशन रख दूंगा तेरे घर में। मुझे मैके जाना है। अरे मुझे छोड़कर मत जाओ ऐसे। नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती। क्या हुआ भैरव? मैंने सुना गौरी तुझे छोड़कर चली गई है। हाँ भैया, आपने ठीक ही सुना है,
गौरी चली गई है, मैं अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे तू बहुत अच्छा काम करता है, मैं एक ढाबा खोलना चाहता हूँ, तू मेरा साथ दे दे और हम साथ मिलकर ढाबा खोलेंगे। भैया लेकिन उसके लिए तो जमीन चाहिए और ऐसी जगह चाहिए और मकान बनाना होगा, उसमें तो बहुत खर्चा आएगा भैया, क्या हम ये सब काम कर पाएंगे? अरे सब हो जाएगा, तू बेकार में मत सोचा कर और यहाँ देखना किस तरीके से सब चीज बदलेगा। सुनो जी, मैं आ गई हूँ। लेकिन तुम्हें किसने बुलाया? हाँ मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, मैं तो अब यहाँ अकेले ही ढाबा चला रहा हूँ और मैं अपना संसार बसा लूंगा। नहीं नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप क्या यहाँ पर अच्छे से काम कर पाते? आप भी कभी काम नहीं कर पाते, ऐसा मत कहो। अरे ऐसा कहूँ ना तो क्या कहूँ, तुम हो ही अजीब। हाँ जब मुझे जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुम मुझे छोड़कर चली गई। अरे देखो तुम लोग ऐसे लड़ो मत, और तुम लोग जो कह रहे हो वो गलत है। देख भैरव, तुझे गौरी छोड़कर जरूर गई थी, लेकिन छोड़कर जाने से पहले गौरी ने मेरे से मुलाकात की थी और गौरी ने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूं कुछ ऐसा काम करने में, वरना तुम कभी काम नहीं करोगे। और आखिरकार देखो गौरी की बात सही ही साबित हुई, गौरी ने कहा मैंने तुझे कहा और तूने फिर इस ढाबे को शुरू किया, अगर गौरी ना होती तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। तुम दोनों साथ रहा करो और अच्छे से रहा करो, अब ये ढाबा चलाओ और जो फायदा होगा उसका कुछ हिस्सा मुझे भी दे देना। किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी।